हाय, मेरा नाम शिवांगी ने है। मैंने अपने पिछले वीडियो में क्लास 10th के रिजोल्यूशन के चैप्टर नंबर 2 भोली के बारे में चर्चा की थी। उसमें एक लड़की होती है सुलेखा, जिसको सब भोली कहते हैं। जब वह 10 महीने की थी तो वह पलंग से नीचे गिर जाती है और उसकी वजह से उसका दिमागी विकास रुक जाता है। जब वह 2 साल की होती है तो उसे चेचक की बीमारी हो जाती है और आँखों के अलावा उसका पूरा शरीर भद्दा सा हो जाता है। देख कैसे वह स्कूल जाती है और उसके बाद उसकी शादी होने वाली होती है तो उसका पति दहेज की मांग करता है उसके चेहरे को देखकर, जबकि वह खुद न तो जवान होता है और लंगड़ाता भी है, फिर भी वह दहेज की मांग करता है, इसलिए क्योंकि भोली सुंदर नहीं होती है। तो कैसे वह उस लालची पति से अपना पीछा छुड़ाती है और अपने पिता की इज्जत बचाती है, वो हम अब देखें। व्हाट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डंप काउ। Bholi turned violently to the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb, driven cow. That is why you wanted to hand me over this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear more? कितनी बेशरम लड़की है। हम सब ने सोचा कि यह सिर्फ एक गूंगी गाय है। Bholi उस बूढ़ी औरत की तरफ मुड़ी और कहा, हाँ आंटी, आप सही कह रही हैं। आप सबने सोचा कि मैं एक गूंगी गाय हूँ, तभी आप मुझे इस हृदय इन राक्षस के साथ बांधने के लिए चले थे। लेकिन अब एक गूंगी गाय, एक हकलाने वाली मूर्ख लड़की अब बोल सकती है। क्या आप और सुनना चाहती हैं? विषम बरनाज ग्रोथसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी and struck up a closing song. विशंबरनाथ एक बनिया अपने पूरी पार्टी के साथ वापस जाने लगा और जो बैंड वाले थे वो कंफ्यूज हो गए, तो उन्होंने क्लोजिंग सॉन्ग्स यानी विदाई के गीत गाने शुरू कर दिए। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed down with the weight of grief and shame. रामलाल के पैर जमीन से चिपक गए और उसका सर शर्म से झुक गया। द फ्लेम्स ऑफ द सेकंड फायर स्लोली डाइड डाउन, एवरीवन वाज गॉन। रामलाल टर्न्ड टू भोली एंड सेड, बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, व्हाट शैल वी डू विद यू। उस पवित्र अग्नि की लपटें भी धीरे धीरे बुझने लगी और सब चले गए। रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहा कि अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड in a voice that was calm and steady, don't you worry pitaji, in your old age I will serve you and mother and I will teach in the same school where I learned so much, isn't that right ma'am? और सुलेखा ने एक शांत और शालीनतापूर्ण आवाज में कहा, पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं आपके बुढ़ापे में आपकी और माता जी की सेवा करूंगी, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ मैंने इतना सब कुछ सीखा है, सही है ना मैम, भोली ने कहा। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। यस भोली ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड इन हर स्माइलिंग आईज विद द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कॉन्टेम्प्टिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। उसकी टीचर कोने में खड़ी सारा ड्रामा देख रही थी और उसने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो भोली। उसकी आंखों में वह संतोष था जो एक कलाकार की आंखों में होता है जब वह अपने मास्टरपीस को बना लेता है। अब इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। टेक द करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट, एट व्हाट एज डिड भोली हैव एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स? 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स या 5 इयर्स? 2 इयर्स। सेकेंड, Who insisted on Ramlal to send his daughter to the school? Teacher, Nambardar, Tehsildar or Vishambar? Tehsildar. Third, what did the teacher give to Bholi on the first day of her school? Sweets, book, clothes or notebook? Book. Fourth, how much money was demanded by Vishambar? 1,000, 2,000, 10,000 or 5,000? 5,000. True and false. Sulekha was the first daughter of Nambardar Ramlal.
False. She was the fourth daughter. Bholi's mother was an educated woman. False. Ramlal's wife was in hurry to marry Bholi off to anyone. True. Bholi did not join her first day at school. True. The teacher told Bholi to speak without fear. True. Ab short transfer type question. How did Bholi become a backward child? Because when she was 10 months old, she fell down from the cot and that damaged some part of her brain. Why did the other child make fun of Bholi? Because she couldn't speak till she was 5 and at last when she started to speak, she used to stammer. Write a short note on Ramlal's family. Ramlal was a well-to-do farmer, so there was a plenty to eat. Every children was healthy except Bholi. The Ramlal has 4 daughters and 3 sons. All sons were sent to city to study in the school and then to the colleges. His first daughter was already married and second daughter's marriage was fixed. He was thinking about the third daughter, but he was worried about the Bholi. Why was Bholi sent to school? Bholi was sent to school because her mother said that there is a less chance of getting her married without her ugly face and lack of sense. So, she should go to school. What did Bholi's mother say after receiving the proposal of Bishambhanath? She said that it is our Bholi will be lucky to get such a well-to-do husband. He has a house of his own, a big shop and several thousand rupees in her bank. After all, he is not demanding for any dowry. So we should accept the proposal of Bishambhanath. A long type question. What was the situation in the classroom when Bholi attended the school for the first time? On the classroom, many girls were sitting on the mat and there were many pictures on the walls of animals like she has watched before that. What major changes were visible in the village in few years? The village became a small town. The primary school became a high school. And there was now cinema under a thin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at the railway station. Why did Bholi refuse to marry Bishambhar? Bholi refused to marry Bishambhar because she did not want a coward, heartless man as her husband. अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई दिक्कत है इंग्लिश में तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं. जय हिंद, जय भारत.